हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ महेश शाह फ्रॉम सूरत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज़ फॉर स्टैंडर्ड 8 सेमिस्टर 2 चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज पार्ट 4। सो इन लास्ट वीडियो वी टॉक अबाउट बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, दिस वी टॉक। In this video, we are going to talk about migration and the structure of the population. So before I start this video, I would like to tell you about subscribe the channel and press the bell icon. So what is migration? So when people shift from one place to another, it is known as migration. अब जब लोग एक place से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसको migration बोलते हैं। अब उसके reasons क्या है? तो पीपल इंडल्ज इन टू अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू अर्न एंड डेवलप। सोशल कल्चरल नीड्स ऑल्सो कंपेल पीपल टू कीप माइग्रेटिंग। द रूरल पॉपुलेशन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्बन एरियाज फॉर बेटर फैसिलिटीज इन एजुकेशन, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो माइग्रेट होने के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से प्राइमरी रीज़न है जॉब एंड बिजनेस। सेकेंडरी रीज़न में जो रूरल एरिया के जो पॉपुलेशन होती है वो अर्बन एरिया में शिफ्ट होती है, उसके पीछे अलग अलग जो फैसिलिटीज़ अर्बन एरिया में होती है, जैसे एजुकेशन है, मेडिकल सर्विसेज है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिक नेसेसिटीज़ है, वो इजीली फुलफिल होती है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट वाई रूरल पॉपुलेशन अट्रैक्ट टूवर्ड्स सिटीज़। सो वॉट इज़ द सीनारी ऑफ प्रेजेंट टाइम? सो करंटली 62% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गुजरात लिव्स इन रूरल एरियाज एंड 38% लिव्स इन अर्बन एरियाज। अगर गुजरात स्टेट की बात करें तो 62% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में है, जबकि 38% जो है वो अर्बन एरिया में है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ द परमानेंट मूवमेंट ऑफ पर्सन फॉर वन जियोग्राफिकल लोकेशन और रीजन टू अनदर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड एज स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन? सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इनटू वेरियस कैटेगरीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन। कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, कितने यंगस्टर है, कितने ओल्ड एज है, कितने चिल्ड्रन है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज। And when the population categorize into this kind of sections, then that is called population composition. यानी जो एक कंट्री की population है उसमें किस gender के कितने लोग हैं, educated कितने, unemployment कितने, employee कितने, ये जो पूरा bifurcation होता है, that is called population composition. The categorization is done as per male female, age group, literacy rate, rural urban area, religions, linguistic groups, professional groups, etc. Through study of these categories helps us to understand the population composition. So, ये study करने से government जो plan करते हैं development के लिए वो properly planning होता है। अब age structure की बात करें, so there are three different age structure in our country. The total population of the nation comprises of three age groups like children, adult and senior citizen. तो चिल्ड्रन के ग्रुप में 0 to 14 ईयर्स की एज के जो आते हैं वो चिल्ड्रन में आते हैं। एडल्ट कैटेगरी में 15 to 59 ईयर्स के जो होते हैं वो आते हैं, और सीनियर सिटीजन में अबव 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो आते हैं। अब इसमें से कौन सा एज स्ट्रक्चर ज़्यादा हो तो डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो एक तो ये एडल्ट कैटेगरी है, क्योंकि दिस बोथ आर द डिपेंडेबल पॉपुलेशन। क्योंकि चिल्ड्रंस जो होते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होते, अभी आप लोग एजुकेशन ले रहे हो, और सीनियर सिटीजन होते हैं वो भी अब काम करने की उनकी बॉडी जो होती है उतनी वर्क नहीं कर सकती है। सो दिस बोथ कैटेगरीज आर डिपेंडेबल कैटेगरी, बट दिस चिल्ड्रन इज पोटेंशियल प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इन फ्यूचर। क्योंकि आप जब बड़े हो जाओगे तो आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, इससे कंट्री को बेनिफिट होगा। तो डिपेंड करती है कंट्री की ग्रोथ जो है वो ये एज ग्रुप को 15 to 59, बिकॉज इट इज़ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। अब ये लोग अच्छे से काम करेंगे, इनके पास स्किल होगी,
तो फ्यूचर में एटमोसफियर ऑफ कंट्री डेवलप, यहाँ पे अगर आप लोग को अच्छा एजुकेशन दिया गया, आपकी हेल्थ का ध्यान रखा गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई, तो फ्यूचर में भी चांस है कंट्री के ग्रोथ के। अमंग द अबव थ्री ग्रुप्स मैक्सिमम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज सीन इन द फर्स्ट एंड द थर्ड ग्रुप। एज पर द 2001 सेंसस 35% टू 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज बिलो 18 ईयर्स, वेर एज 7-10% इज सीनियर सिटीजन, रेस्ट ऑल आर एडल्ट्स। तो 50% पॉपुलेशन जो हमारी थी 2011 के सेंसस के हिसाब से वो इस कैटेगरी में आती थी, 35-40% इस कैटेगरी में आते थे और 7-10% इस कैटेगरी में आते थे। तो ऐसा बोला जाता था कि इंडिया इज़ वर्ल्ड्स वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री, क्योंकि हमारा जो यंग यूथ है वो नंबर ऑफ पीपल आर वेरी हाई इन टू दैट ग्रुप। अब इसी तरह से इसको कुछ डिवाइड किया जाता है तो कास्ट एथनिसिटी कंपोजिशन कि भाई कितने कैटेगरी के कौन से हैं, ब्राह्मण, मागर, थुरू, तैमंग, नेवर, कामी, मुसलमान, यादव, राय, गौरांग, अदर्स, तो इस तरह से उसको बाइफरकेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे एक और डिटेल है मेरे पास, नेपाल हैज अ टोटल ऑफ 126 कास्ट एथनिसिटीज एज पर द सेंसस डेटा, मोर देन 16% ऑफ द पॉपुलेशन इज क्षेत्री, 81.30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज हिंदू। तो नेपाल इज ओनली द हिंदू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमारी जो कंट्री है वो हिंदू कंट्री नहीं है, दिस इज रिपब्लिकन नेशन, बट नेपाल इज द ओनली हिंदू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे 81% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है। वाइल द मुस्लिम पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री, वाइल बिकॉज द मोस्ट ऑफ पीपल मेजोरिटी फाउंड मुस्लिम रिलीजियन इन पाकिस्तान। यहाँ पे और एक शॉर्ट में दिखाया है, द कंपोजिशन इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ एज, जेंडर एंड अदर प्रॉपर्टीज सच एज मैरिटियल स्टेटस एंड एजुकेशन। एज एंड जेंडर आर की इंडिकेटर्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन पिरामिड, ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय परसेंटेज इन ईच एज ग्रुप डिवाइडेड बाय जेंडर। तो ये है पॉपुलेशन कंपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मीन्स क्या, सो पर 1000 मेल हाउ मेनी फीमेल आर देयर, दैट इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो ऑफ दैट रीजन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर जेंडर डिफरेंस ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा हमारी कंट्री में से, तो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मोस्टली मोर देन 50% पीपल, 60% पीपल आर लिविंग इन रूरल एरिया। अब वहाँ पे बहुत सारे ब्लाइंड फेथ होते हैं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है, तो मेल फीमेल में काफ़ी डिफरेंस रहता है। जो अपॉर्चुनिटी एक लड़के को फैमिली में मिलती है, वही और सेम अपॉर्चुनिटी लड़की को नहीं मिलेगी। वाई, बिकॉज देर आर मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गर्ल इन दिस काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स फैमिली। सो ड्यू टू दैट नाउ वॉट हैपन दैट जेंडर रेशियो इज कम्प्लीटली डिस्टर्ब। केरला इज द ओनली स्टेट ऑफ द कंट्री वेर यू फाइंड मोर गर्ल्स देन द बॉयज। वहाँ पे 1000 लड़कों के सामने 1094 गर्ल्स है। बाकी इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे फीमेल ज़्यादा हो या तो इक्वल हो। अब केरला के बारे में दूसरा एक सर्च करेंगे तो वहाँ पता चलेगा दैट केरला इज वन ऑफ द हाईएस्ट एजुकेटेड स्टेट ऑफ द नेशन। हमारे इंडिया में केरला की एजुकेशन रेशियो सबसे हाईएस्ट एंड मोर देन 93% आर पीपल आर एजुकेटेड इन केरला। तो जहाँ पे एजुकेटेड लोग होंगे वहाँ पे ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उतना नहीं होगा जितना अनएजुकेटेड या इलिटरेट फैमिली में होता है। यहाँ पे एक डेटा हमारे पास है, लेट्स सी व्हाट द थिंग इज देयर। एरिया वाइज इंडिया स्टैंड 7th इन द वर्ल्ड, लिस्ट द फर्स्ट 6 कंट्रीज बिगर देन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। तो ये आपको ढूंढना है, ये क्वेश्चन है। चलिए तो सीधा सेक्स रेशियो देखते हैं। सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। द सेक्स रेशियो हैज़ बीन रिड्यूसिंग कॉन्स्टेंटली सिंस 1951।
तो 2011 के सेंसस के हिसाब से देखिए कि पूरे इंडिया का सेक्स रेशियो पर 1000 मेल 940 गर्ल्स है। अब जब गर्ल्स नहीं होगी तो मैरिज किसके साथ होगा, तो पॉपुलेशन फिर कैसे इंक्रीज होगी? अगर इतना डोमिनेंस रहेगा, मेल डोमिनेंस सोसाइटी की इफेक्ट इतनी रहेगी, तो फ्यूचर में हमें ही प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ पे स्टेट वाइज है कि गुजरात में पर 1000 मेल 918 गर्ल है, यूपी में 908 गर्ल है, बिहार में 1916 गर्ल है, केरला में देखिए 1084 गर्ल है। ये एक ही स्टेट ऐसा है जहाँ पे सेक्स रेशियो पॉजिटिव है, अदरवाइज बाकी सब स्टेट में आप देख लीजिए कि सब में नेगेटिव जा रहा है। वेस्ट बंगाल में 947, जम्मू कश्मीर में 883, दिल्ली में 866, हरियाणा में 877, आसाम में 954 और अंडमान निकोबार में 878। तो यहाँ पे इतनी गर्ल्स कम है पर 1000 बॉय के सामने। अब यहाँ पे रेड अलर्ट है गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे बहुत ही डाउन जा रहा है। तो अमरेली में द नंबर ऑफ फीमेल फेल फ्रॉम 987 टू 964, यहाँ पे 987 गर्ल्स थी उसके सामने 964 है 2011 के हिसाब से। जूनागढ़ में भी नंबर डिक्रीज हुआ 955 टू 952, भावनगर में भी डिक्रीज हुआ 937 टू 931, राजकोट में भी डिक्रीज हुआ 930 टू 924 और कच्छ में तो एक्सट्रीम रिड्यूस हुआ 942 टू 907। तो यहाँ पे गुजरात में बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज और कैंपेन्स होते हैं, जिसमें एक बेटी बचाओ सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड। तो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे गवर्नमेंट को कैंपेन करने पड़ते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। पर एक सिंपल थिंग है कि फैमिली में अगर मदर नहीं होगी तो किस तरह की फैमिली होगी, दैट वी हैव टू थिंक बाय अवर ओन सेल्फ। फ्यूचर में आप जब फादर बनोगे, अगर आपके वहाँ डॉटर होगी तो आप किस तरह उसको ट्रीट करोगे, वो अभी से आपको सीखना है। अमेरिका जो सुपर पावर है उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ की जो फीमेल है बहुत ही एडवांस है, स्किलफुल है, एजुकेटेड है। आज की डेट में आप नेट पे सर्च करो कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है उसके जो CEO होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उसमें ज़्यादातर फीमेल है। तो ये एजुकेशन की वजह से है कि अगर फीमेल गर्ल्स को पढ़ाएंगे तो अगर एक बॉय पढ़ेगा तो वो अपने फैमिली का ही केयर करेगा, पर अगर एक गर्ल पढ़ेगी तो पूरे एरिया में वो डेवलपमेंट कर सकती है। समझ में आया? हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए पढ़ते हैं, पर अगर जिसकी मम्मी यहाँ पे हाई क्वालिफाइड होगी उसका एजुकेशन रेशियो देखना अपग्रेड होगा, और जिसके मम्मी अनएजुकेटेड है उसके रिजल्ट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स सेक्स रेशियो का इम्पोर्टेंस यहाँ पे है कि गर्ल्स को कम्प्लीटली सेम बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर लिटरेसी की बात करें तो 1901 से लेके अभी तो काफ़ी 2020 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर फिर भी अगर स्किल की बात करें तो हम पीछे है देन द डेवलप नेशन। द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ दैट कंट्री। जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे डेवलपमेंट उतना फास्ट होगा। लिटरेसी इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन एंड इज सोशल डेवलपमेंट। लिटरेसी इज ऑल्सो द की ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी वॉज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ सेंसस ऑफ 1991। अकॉर्डिंग टू इट एनी इंडिविजुअल हु इज 6 ईयर्स और अबव एंड हु कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज मे बी कंसिडर्ड एज लिटरेट। तो लिटरेसी की ये जो डेफिनेशन है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है कोई भी एक लैंग्वेज विदाउट एनी अदर काइंड ऑफ पैरामीटर्स, सो दिस कैन बाउंड द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी। वो लिटरेसी का जो क्राइटेरिया है उसको कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पे अब 2020 के हिसाब से इसकी डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती है। द लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ बीन इंक्रीज कॉन्स्टेंटली विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। वो
नंबर ऑफ एजुकेटेड बढ़े हैं, पर उसमें से अभी स्किलफुल की बात करने जाए तो दैट नंबर इज वेरी लो। अब 1901 में टोटल एजुकेटेड कितने थे, 5.35, उसमें मेल 9.83 और फीमेल थी 0.60% ओनली। फिर वो नंबर इंक्रीज होता गया, 2011 में 74% पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, इन दैट 82% मेल एजुकेटेड वाइल 65% फीमेल ओनली एजुकेटेड। अब केरला की बात करें तो वहाँ देखिए, पर 193 पीपल आर एजुकेटेड, उसमें मेल जो रेशियो है 96 है और फीमेल जो है 91 है। वैसे ही दादरा नगर हवेली की बात करें तो वहाँ पे 77% एजुकेटेड है, उसमें से 86% जो है वो मेल है वाइल 65% आर फीमेल। तो यहाँ पे जेंडर वाइज लिटरेसी रेशियो में डिफरेंस है। ये नंबर दिखाते हैं कि हम गर्ल्स एजुकेशन के लिए इतने अवेयर नहीं है जितने की डेवलप्ड नेशन है। और ये नंबर भी एक बार देखने जाए तो समझने वाली बात है कि अगर इनको स्किल के थ्रू, अगर स्किल के थ्रू उनको मेजर किया जाए तो ये नंबर डिक्रीज हो जाएगा। आफ्टर द क्राइटेरिया फॉर लिटरेसी रेट हैज़ बीन फिक्स्ड इन 1991, इफ़ वी थिंक अबाउट द पॉपुलेशन अबाउट 6 years एंड कैलकुलेट द लिटरेसी रेट, इट हैज़ शोन एन अपवर्ड ग्राफ। तो 6 years के एज से अगर हम लोग काउंट करें तो ये ग्राफ में खाली ऊपर दिखाता है, अदरवाइज रियलिटी में जो रियल एजुकेशन है, स्किल जो डेवलप्ड होनी चाहिए उसमें हम पीछे। तो यहाँ लिटरेसी के बारे में है, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड कॉम्पिटेंस ऑफ और नॉलेज इन अ स्पेसिफाइड एरिया, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे वाले टॉपिक के बारे में, उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंज के बारे में हमें डिस्कस करना है। अच्छा, हम आज के वीडियो में ही ये ख़त्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में किस तरह के चेंज आते हैं वो यहाँ पे हमें देखना है। यहाँ पे एक लिटरेसी का टेबल है, वो हम देख लेते हैं, गुजरात के 4 डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें अहमदाबाद में 86% एजुकेटेड है, 92% मेल, 80% फीमेल। सूरत में 91% मेल, 81% फीमेल। आनंद में 85%, 93% मेल, 77% फीमेल। गांधीनगर में 85% मेल टोटल एजुकेटेड है, 93% मेल एजुकेटेड, 77.37% फीमेल। खेड़ा में 84.31% है, उसमें से 93.40% मेल है और 76.67% फीमेल है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में देखिए जहाँ पे फीमेल एजुकेशन रेशियो बहुत नीचे है। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो अब पर्सन इन द कंट्री एंगेज इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ इंक्लूडेड इन द ऑक्यूपेशनल ग्रुप। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे है। तो जो भी एक्टिविटी करने से अगर आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, इफ़ यू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ कमोडिटी और मनी, देन इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कुछ भी काम करते हैं पर उससे कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, मनी प्रोड्यूस नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर हम ग्रुप की बात करें तो अर्निंग पॉपुलेशन होती है, सेकंड है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो एज स्ट्रक्चर में चिल्ड्रन का जो ग्रुप है 0 to 14 years और 59 एंड अबव सीनियर सिटीजन, दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। और जो मिडल ग्रुप है 15 to 59 एडल्ट एज ग्रुप, दैट इज़ कॉल्ड अर्निंग पॉपुलेशन। तो जितना आपकी कंट्री में अर्निंग पॉपुलेशन का रेशियो ज़्यादा होगा उतना डेवलपमेंट स्पीड होगा। अब चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो 2 तरह के चेंज होते हैं, एक है क्वांटिटेटिव चेंज और एक है क्वालिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज में क्या होता है, तो समटाइम्स वी नोटिस अ राइज और फॉल इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती है या तो कम होती है। दिस हैपन्स ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल।
उसके दो रीज़न है, एक तो पॉपुलेशन बर्थ रेट जब बढ़ता है तब ऐसा होता है, और सेकंड थिंग जो होता है वो माइग्रेशन की वजह से लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, उससे नंबर चेंज होते हैं। द कंडीशन लीडिंग टू अ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंज आर लैंडलेसनेस, लो पर हेड रेशियो, अर्बनाइजेशन, एज वेल एज सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। तो ये उसके रीजन्स है कि किस वजह से क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो ये क्वांटिटी जहाँ पे क्वांटिटेटिव बढ़ती क्वांटिटी बढ़ती है या घटती है उसको क्वांटिटेटिव चेंज बोलते हैं। और क्वालिटेटिव चेंज में क्या आता है कि पुराने रीति रिवाज छोड़ के नए एडॉप्शन लेना, नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है, पूरा का पूरा ऑर्थोडॉक्स जो नेचर है वो बदल जाना, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव चेंज। द चेंज ऑब्जर्व इन द लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेट क्वालिटेटिव चेंजेस। हेल्थ बढ़ती है, एजुकेशन अच्छा लेते हैं तो उससे क्वालिटी जो है वो चेंज होती है। इट अल्टर्स द वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर एज वेल एज स्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटेटिव चेंजेस आर डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड नेशनलिज्म, एंथुजियाज्म, करेज एक्सेट्रा। दिस फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट सोशल कल्चरल चेंजेस। तो हमारी कंट्री में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, ऑर्थोडॉक्स थॉट है, उसकी वजह से बहुत सारा जो एडॉप्शन करना चाहिए हमें वो होता नहीं है। अब जब यहाँ पे पुराने सोच को छोड़ के नए टेक्नोलॉजिकल चेंज को एक्सेप्ट करना, उसको उसके हिसाब से कल्टिवेट होना, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव चेंज। तो एक है रिलीजियस ग्रुप, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजियन स्टे टुगेदर हियर, अमंग ऑल द रिलीजियंस हिंदूज आर इन मेजोरिटी फॉलोड बाई मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एक्सेट्रा। और सेकेंड है लिंग्विस्टिक ग्रुप, जो हमारे कंट्री में जिस हिसाब से डिवीज़न है लोगों के बीच में, डाइवर्सिटीज़ है, वहाँ इसकी बात है। अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखने जाए तो इंडिया इज़ अ ग्रुप लार्ज कंट्री विथ द डाइवर्सिटी एज इट्स प्राइम कैरेक्टरिस्टिक। करंटली देर आर 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी एंड इंग्लिश आर द टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। तो हमारे जितने भी स्टेट है वो लैंग्वेज के बेस के ऊपर बने हुए हैं। अब ये है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, यानी उसका उसको डिस्क्राइब किया जाए वैसा। डिस्क्रीट यूजुअली काउंटेड, एग्जांपल जो काउंट कर सकते हो वो, और ये जो है मेजर्ड किए जाए वो। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज के बारे में डिटेल है। अब लास्ट टॉपिक जो है हेल्थ स्ट्रक्चर एंड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो हेल्थ का जो मीनिंग है वो ओनली नॉट इंक्लूड द फिजिकल कंडीशन, बट विद डैट मेंटल कंडीशनल, इमोशनल कंडीशन, सोशल कंडीशन, व्हाट इज़ द सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशन, व्हाट इज योर मनी पावर, देन आफ्टर स्पिरिचुअल वेलबींग, इट मीन्स यू बिलीव्ड इन गॉड और नॉट। द बेस्ट लेवल ऑफ हेल्थ हेल्प्स इन फोस्टरिंग द प्रोसेस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अगर दिमाग से और बॉडी से आदमी हेल्दी होगा तो वो क्रिएटिव वर्क करेगा और उससे आफ्टर ऑल कंट्री को बेनिफिट होगा। सो दिस इज हेल्थ स्ट्रक्चर। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो किस हिसाब से मेडिकल सेंटर्स होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं जिसको CHC बोलते हैं, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं जिसको PHC बोलते हैं, सब सेंटर्स होते हैं। तो जिस हिसाब से रीजन होता है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन होती है, इस तरह से गवर्नमेंट मैक्सिमम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। अब टू डेवलप द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड टू डेवलप द स्किल ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज इट्स वेल्थ एंड स्ट्रेंथ। इफ द ह्यूमन रिसोर्स इज एजुकेटेड, ट्रेंड, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, then it will foster the development of the nation. A carefully planned use of human resources builds the foundation of the development of the nation. To keep in the
keep the pace with the developed nation, it is very important that the human resources is developed. The factors that hamper the progress of a nation must be eliminated or controlled. Overpopulation is one such factor which has to be dealt with as per the population policy adopted since 1951. So population policy sabse pehle start hui thi 1951 mein. As a part of national population policy, various programs like nutritious food program, care of mother and child, pure drinking water, school, health programs, safeguarding the rights of children, etc. must reach to the grassroots level. यानी ये जितने भी बेनिफिट हैं वो इंडिया के लास्ट विलेज में जो लास्ट पर्सन है वहाँ तक जाने चाहिए. इवन द 5 ईयर्स प्लान्स आर मेड कीपिंग द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन फोकस. वी मस्ट रिजोल्व द कंट्रीब्यूट एज कमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. तो यहाँ पे हमारा पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हम कंट्रीब्यूट करते हैं. ये कुछ डिटेल है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में जो आप नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हो. यहाँ पे एक कोट है, हेल्दी इंडिया प्रॉस्परस इंडिया. द कंट्री इज प्रॉस्परस विथ सिटीजन आर मेंटली एंड फिजिकली प्रॉस्परस. तो कोई भी कंट्री कब डेवलप्ड होगा, कब उनका ग्रोथ होगा, जब वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट होगा, उनका ग्रोथ होगा, तब अच्छी हेल्थ होगी, अच्छा एजुकेशन होगा, स्किल डेवलप्ड होगी, तो फिर वो कंट्री डेवलपमेंट प्रोसेस में कभी भी पीछे नहीं रह सकता है. तो ये है इस चैप्टर की डिटेल. इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ऑलमोस्ट सब डिटेल्स 10th स्टैंडर्ड में आपको रिपीट पढ़ने में आएगी, बट बेसिकली जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की गई है, इसलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में है. दिस इज सम एक्सरसाइज क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस बाय योर ओन. Still you are having any doubt, then you can ask your question to me. I hope that you like this video. Next video will be prepared for history section. वो महात्मा गांधी के बारे में है. बहुत सारे history की event जो freedom struggle के time पर हमारे country में हुई थी उसके बाद हमें फिर से करनी है. So to watch that video, subscribe the channel and press the bell icon. Till then, stay home, stay safe, wash your hands many times, wear a mask and maintain social distance. Take care of yourself and your family too. God bless you. Thank you very much.